जय हिंद बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2। तो वन नंबर क्वेश्चन देखे, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है और एक में दो दो नंबर्स है, एक दूसरे को एक से दूसरे को मल्टीप्लाई करना। यह नंबर देखिए 1028 × 321। तो 1028 × 321 हम ट्रेडिशनली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही करेंगे, मतलब 1028 और इसके नीचे 321 ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई करना इजी होता है ना। अब देखो, 1 से इन सब डिजिट्स को 1 × 8 8 है, 1 × 2 = 2 है, 1 × 0 = 0 है, 1 × 1 = 1 है। देखिए नेक्स्ट 2 से शुरू कर, 2 से ना, और शुरू यहाँ से करना है, इसके नीचे 0 पुट कर देना। 2 × 8 = 16 6 कैरी ओवर 1 है। अच्छा 2 × 2 = 4 + 1 5 है। अच्छा 2 × 0 = 0 और 2 × 1 = 2 है। अब यहाँ से दो डिजिट चुनना, 1 2 है, नीचे 0 देना। अब 3 × 3 = 24 4 कैरी ओवर 2 है। अच्छा 3 × 2 = 6 + 2 8 है। अच्छा 3 × 0 = 0 है, 3 × 1 = 3 है। अब देखिए इन सब को ऐड कर देना, सब को ऐड कर देना, 8 + 0 + 0 वही 8 है, 2 + 6 = 8 है, 5 + 4 = 9 है, 1 + 8 = 9 है, 2 + 0 = 2 है, और 3 × 3 है। तो ये आंसर आया, इजी ना भाई, मल्टीप्लाई बहुत इजी है। अब नेक्स्ट देखिए बी नंबर 4721 × 521। तो 4721 × 521। अच्छा 1 × 1 = 1 है, 1 × 2 = 2 है, 1 × 7 = 7 है, 1 × 4 = 4 है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना, एक डिजिट छोड़ के 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 2 × 7 = 14 4 कैरी ओवर 1। अच्छा 2 × 4 = 8 + 1 = 9 है। अब दो डिजिट चुनना, 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10 0 कैरी ओवर 1 5 × 7 = 35 + 1 = 36 6 कैरी ओवर 3 5 × 4 = 20 + 3 = 23 है। अब सबको ऐड करना, 1 2 + 2 = 4 7 + 4 = 11 + 5 = 16 6 कैरी ओवर 1 4 + 4 = 8 + 1 9 9 + 6 = 15 5 फिर से कैरी ओवर 1 3 + 1 = 4 है, और यहाँ 2 है। अब कमा पुट करना, पहले 3 डिजिट जुड़ के इसके बाद 2 2 डिजिट जुड़ के, तो ये होते हैं इसके आंसर। इजी ना भाई, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए 1231 × 482। तो 2 × 1 = 2 है, 2 × 3 = 6 है, 2 × 2 = 4 है, 2 × 1 = 2 है। एक डिजिट जुड़ देना, 8 × 1 = 8 है, 8 × 3 = 24 4 कैरी ओवर 2 है। अच्छा 8 × 16 + 2 = 18 8 कैरी ओवर 1 है, 8 × 1 = 8 + 1 = 9 है। अब दो डिजिट छोड़ देना, 4 × 1 = 4 है, 4 × 3 = 12 2 कैरी ओवर 1 है। अच्छा 4 × 2 = 8 + 1 = 9 है, 4 × 1 = 4 है। अब सबको इकट्ठा करना, 2 6 + 8 = 14 4 कैरी ओवर 1 है, 4 + 4 8 + 4 = 12 + 1 = 13 3 कैरी ओवर फिर से 1 है, 2 + 8 = 10 + 2 = 12 + 1 = 13 3 कैरी ओवर फिर से 1 है, 9 + 9 = 18 + 1 = 19 9 फिर से कैरी ओवर 1 है, 4 + 1 = 5 है। अब कमा पुट करना, यहाँ कमा और यहाँ कमा, 5,93,342। इजी ना भाई, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट देखिए 1845 को 240 से इंटू करना, तो ये भी बहुत इजी है। पहले 0 से इन सब डिजिट्स को इंटू करना, तो 0 से किसी भी नंबर को इंटू की जाए ना, तो क्या होगी, सब के सब 0 बन जाएगी। तो 0 × 5 = 0 है, 0 × 4 = 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 हो जाएगी।
अब एक डिजिट चुनना, 4520 कैरी ओवर 2 है, कैरी ओवर 1 है, 4 8 32 + 1 33 कैरी ओवर 3 है, अच्छा 4 1 4 + 3 7 है, अब 2 से 2 5 10 अच्छा आप दो डिजिट चुनना, फिर 2 से इस नंबर को 2 5 10 कैरी ओवर 1 है, 2 4 8 + 1 9 है, 2 8 16 6 कैरी ओवर 1 है, 2 1 2 + 1 3 है, अब सबको ऐड करना, 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 8 है, 3 + 9 12 2 कैरी ओवर 1 है, अच्छा 7 + 6 13 + 1 14 4 कैरी ओवर 1 है, 3 + 1 4 है, कमा पुट करना 4,42,800 इजी ना, बहुत इजी है भाई। नेक्स्ट ई नंबर देखिए 4837 × 103 पहले 3 से इन सब नंबर को ये इस नंबर को 3 7 21 1 कैरी ओवर 2 है, अच्छा 3 3 9 + 2 11 1 कैरी ओवर 1 है, 3 8 24 + 1 25 5 कैरी ओवर 2 है, 3 4 12 + 2 14 है, आप 0 से सब को इंटर करना यहाँ से, अच्छा एक डिजिट छोड़ देना, और 0 से इंटर करने से वो सब डिजिट के बदले में 0 आएगी, तो 0 0 0 0 कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट्स है, तो 4 0 है। अब देखिए 1 से इंटर करना, यहाँ दो डिजिट छोड़ना, तो 1 × 7 7 है, देखिए 1 से इंटर करने से वही सब डिजिट्स आएंगे, तो 7 इसके बाद 3 इसके बाद 8 इसके बाद 4, आप सबको ऐड करना, तो 1 है, यहाँ भी 1 है, 5 + 7 = 12 2 कैरी ओवर 1 है, अच्छा 4 + 3 7 + 1 8 है, 1 + 8 9 है, और 4 है, यहाँ कमा यहाँ कमा 4,98,211 है, इजी ना, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट एफ नंबर देखिए 120 से 3421 को इंटू करना, तो पहले देखिए डिजिट 0 है, तो 0 से इस नंबर को इंटू करना, मतलब सब 0 है, तो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 है, अब 2 से 2 1 2 यहाँ एक डिजिट छोड़ देना, 2 1 2 है, 2 2 4 है, 2 4 8 है, 2 3 6 है, देखिए डिजिट के नीचे डिजिट लिखना वरना गलत हो जाएगा बाद में ऐड करते टाइम, अब देखिए दो डिजिट चुनना, 1 1 1 है, 1 2 2 है, 1 4 4 है, 1 3 3 है, अब देखिए 0 2 4 + 1 5 है, 8 + 2 10 0 कैरी ओवर 1 है, 6 + 4 10 + 1 11 1 कैरी ओवर फिर से 1 है, 3 + 1 4 है, तो 4,10,520 है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए 5,005 × 1,210 है, यहाँ एक चीज़ देखिए दोनों नंबर 4 डिजिट के हैं, तो 5005 1210 है, तो 0 से इस नंबर को इंटर करना, मतलब यहाँ 4 डिजिट के बदले 4 0 है, 1 2 3 4 अब देखिए 1 से, तो यहाँ एक डिजिट छोड़ना, तो 1 5 5 है, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना, अच्छा 1 0 0 है, 1 0 0 फिर से 0 है, 1 5 0 अब दो डिजिट्स चुनना, 2 5 0 10 0 कैरी ओवर 1 है, 2 0 0 0 + 1 1 है, 2 0 0 0 है, 2 5 0 10 है, अब देखिए 3 डिजिट चुनना, 1 2 3 है, अच्छा 1 5 0 5 से 1 से इंटर करना, फिर से 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 5 0 5 है, अब सबको ऐड कर देना, तो देखिए ये सब 0 है, इस कॉलम में सिर्फ 5 है, इस कॉलम में भी 0 है, इस कॉलम में 1 + 5 = 6 है, इस कॉलम में 5 है, इस कॉलम में सिर्फ 0 है, इस कॉलम में 1 + 5 = 6 है, तो कमा पुट करना, यह कमा और यह कमा 60,56,050 है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए 2527 को 3985 से इंटर करना, तो 1,70,95 आएगी।
नेक्स्ट आई नंबर देखिए 7108 को 8015 से इंटू करना, तो 5,69,70,620 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट टू नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सिल्क साड़ी कॉस्ट रुपीज 2,428, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1,134 सात साड़ीज। तो किसी एक साड़ी की कीमत है 2,428 रुपये, तो ऐसी 134 साड़ीज की कीमत क्या होगी, तो 134 से इसको इंटू करना, तो आंसर ऐसे ही लिखना, द कॉस्ट ऑफ 134 साड़ीज इज, तो देखिए द कॉस्ट ऑफ 134 साड़ीज इज रुपीज, एक साड़ी की कीमत इतने हैं 2,428 है, जो 134 साड़ी, तो दोनों को इंटू करना, तो दोनों को इंटू करने से 3,25,352 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देयर आर 15-20 चिल्ड्रेन इन ए स्कूल, दी स्कूल कलेक्ट्स रुपीज 125 फ्रॉम ईच स्टूडेंट फॉर चैरिटी, फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड। तो किसी एक स्कूल में 1520 बच्चे हैं, अच्छा हर एक बच्ची से 125 रुपये कलेक्ट किए जाते हैं किसी एक चैरिटी के लिए, फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड। तो 1520 बच्चे से टोटल कितने कलेक्शन हो गए, तो 1520 बच्चे हैं और एक हर एक बच्चा से 125 रुपये कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो दोनों को इंटू कर देना, ऐसी होगी टोटल कलेक्शन इज रुपीज, टोटल कलेक्शन ना, तो 15,20 × 125 = 1,90,000, तो टोटल अमाउंट होगी 1,90,000 रुपये, ठीक है। देखिए यहाँ रुपीज लिखना मत बोलना, क्योंकि ये पैसा का मामला है ना, तो रुपीज होगी। अब नेक्स्ट फोन नंबर देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर के साथ सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर इंटू करना, तो बहुत इजी है ये, बहुत इजी है, देखिए कैलकुलेशन में भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 39 वाला नंबर 999, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1,000, तो 1 के बाद 3 जीरो है, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, आप दोनों को इंटू करना, प्रोडक्ट यार फूड प्रोडक्ट लिखने से हो जाएगी, तो 999 × 1,000, तो देखिए 1 के बाद 3 जीरो है, तो 999 लिख देना, 999, और 1 के बाद 3 जीरो है यहाँ लिख देना, तो देखिए 999,000 आ रही है, इजी ना, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 363 डॉल्स इन अ डे, हाउ मेनी डॉल्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन 1268 डेज। तो किसी एक फैक्ट्री में 363 खिलौने बनाई जाती है एक दिन में, तो ऐसे ही 1268 दिन में 1268 डेज में कितने खिलौने बनाए जाएंगे, डॉल्स बनाए जाएंगे, तो दोनों नंबर्स को इंटू कर देना, टोटल नंबर ऑफ डॉल्स प्रोड्यूस्ड इज, तो दोनों को इंटू करने से 4,60,284 आएगी, तो इतने दिनों में 4,60,284 खिलौने बनाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 456 सोप्स इन अ डे, हाउ मेनी सोप्स विल द कंपनी मैन्युफैक्चर इन 15 वीक्स। तो देखिए एक दिन में 456 सोप्स साबुन बनाई जाती हैं, तो 15 वीक्स में कितने साबुन बनाए जाएगी, तो एक चीज़ देखिए साबुन यहाँ एक दिन में बनाती है 456, लेकिन यहाँ वीक्स में दी गई है, तो देखिए यहाँ दिन के हिसाब से ना, तो वीक्स को दिन में बदलना, तो 15 वीक्स से कितने दिन हो गए, एक वीक में एक हफ्ता में 7 दिन है, तो 15 से 7 को इंटू करना, तो देखिए टोटल डेज इन 15 वीक्स इज इक्वल टू 7 × 15 = 105, तो 15 हफ्ते से 105 दिन होंगे। अच्छा आप देखिए नंबर ऑफ सोप मैन्युफैक्चर्ड इन 15 वीक्स इज इक्वल टू, मतलब ये जो 105 है इसको 456 से इंटू करना, तो 47,880 आएगी, तो बहुत इजी है ना। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।